अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com, विजिट करें अभी www.rozgarkikhoj.com। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले ECHS दिल्ली कैंट न्यू रिक्रूटमेंट 2022 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि आप सभी को इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे, लिफाफे यानी एनवेलप को आप सभी को कैसे फिलअप करना होगा, आज की वीडियो में कुछ इन्हीं आपके जो टॉपिक है उनको क्लियर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही सबसे पहले बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ECHS की तरफ से, दिल्ली कैंट की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि बात करेंगे आपकी अप्लाई स्टार्टिंग डेट को लेकर, तो 29 नवंबर 2022 से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी यहां पर 9 जनवरी 2023 तक आवेदन कर पाएंगे। यदि बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फी को लेकर, तो जनरल OBCM EWS कैंडिडेट के यहां पर है, साथ यहां पर SC ST फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट के यहां पर एप्लीकेशन फी बिल्कुल भी नहीं रखी गई है, आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे आपकी एज की लिमिट को लेकर, तो 18 से 56 साल के बीच यहाँ पर जनरल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी OBC कैंडिडेट के 18 से 59 साल के बीच यदि आपकी एज है तो आप सभी यहां पर आवेदन कर पाएंगे। SC ST कैंडिडेट यहां पर 18 से 61 साल तक आवेदन कर पाएंगे। यदि बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल आपके 100 से अधिक पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मिनिमम योग्यता, यदि आप यहाँ पर अनपढ़ भी हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, पर मिनिमम योग्यता जो आपकी रखी गई है वो 5th पास रखी गई है। यदि आपने 5वीं पास कर रखी है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपके पर मैगजिम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन पास आपकी रखी गई है। यदि बात करेंगे आप यहाँ पर ऑल इंडिया से या भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं रोजगार की खोज। फ्रेंड्स आपको इसका भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म PDF भी आपको वहीं पर मिलने वाला है। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि आपको इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म PDF यहां पर कैसे फिलअप करना होगा। यदि आपने अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, तो आप सिंपली गूगल पर जाएंगे और अभी सर्च करेंगे रोजगार की खोज, रोजगार के बाद आपको स्पेस देना, की के बाद आपको स्पेस देने के बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट नजर आ जाएगी, वहां से आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए फ्रेंड्स जानेंगे कि आपको इसका एंड जो आपका लिए यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, इसको आप सभी को कैसे फिलअप करना होगा, उसके बाद जानने वाले कि आप सभी के यहाँ पर लिफाफों को कैसे फिलअप करना होगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर असिस्टेंट सफाई वाला हमारी किस पोस्ट के लिए आप सभी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, उस पोस्ट का नाम आप सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड चॉइस ऑफ पॉलीक्लिनिक एलिजन, जो आप यहाँ पर किस पॉलीक्लिनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको सभी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 जो आप फर्स्ट यहाँ पर पॉलीक्लिनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो उन 3 को आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप सभी को लगा देना होगा। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, आपको यहाँ पर उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर भी करने होंगे। सिग्नेचर आपको इस प्रकार से करने हैं कि आधे सिग्नेचर आपके फ़ोटो पर रहने चाहिए और आधे सिग्नेचर आपके फोटोग्राफ के ऊपर रहने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में मेंशन करना होगा, अपना फादर नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, तो आपकी सर्विस नंबर रहेंगे क्या है, किस आर्म सर्विस में आप कार्यरत हो, आपको यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन जो एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाला है, यदि आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके बारे में आप सभी, आई होप आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। आपको यूनिट अपनी लिखनी है, इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट के बारे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी दे देनी होगी। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपनी एज के बारे में जानकारी देंगे कि आपकी जो यहाँ पर अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2023 से, कि आपकी जो एज है वो कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो रही है, वो आप सभी एज को यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल के अपने अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने एड्रेस के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी, सबसे पहले आपके गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आप सभी को यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर एक मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है। इसके बाद आप सभी को अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देनी होगी। इसके बाद आ चुके हैं हम आपके 9 नंबर ऑप्शन की तरफ, यहाँ पर आप सभी को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको 10th के बारे में जानकारी देनी है कि आपने जो 10वीं क्लास पास आउट की है वो किस ईयर में पास आउट की है, किस बोर्ड से पास आउट की है, और आपने कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट में जो आपने 10th क्लास पास की थी वो कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट में आपने पास की थी।
इसके बाद आपके यहाँ पर परसेंटेज क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसी प्रकार आपको ट्वेल्थ के बारे में जानकारी देनी होगी, किस ईयर में पास की, किस बोर्ड से पास की, कितने अटेम्प्ट में पास की, आपकी परसेंटेज कितनी थी। यदि आप ग्रेजुएशन पर्सन हो, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन हो, डिप्लोमा है आपके पास, पीजी डिप्लोमा है, और भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पृष्ठ है वो इस प्रकार कंप्लीट। आई होप आप सभी ने सक्सेसफुली फिल कर चुके होंगे। अब जानेंगे कि आपको यहाँ पर सेकेंड आपका जो लिफाफा रहने वाला है उस सभी को आपको कैसे यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो आपका सेकेंड पेज रहने वाला है। बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप सभी को अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी होगी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यदि आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है किसी भी कार्य का तो ये आपको ऑप्शनल रहने वाला है। ये आप यहाँ पर इसको रिक्त भी छोड़ सकते हो, बट आपके पास है तो सबसे पहले आप यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, आपने कब से कब तक वहाँ पर कार्य किया, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देंगे, आपने अपनी यहाँ पर जो जॉब थी उसको क्यों छोड़ा। इसके बाद आपके पास वहाँ पर कोई आपके से इंटायर सर्विस देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे एनी टाइप ऑफ, यानी आपने जब भी वहाँ पर जॉब छोड़ी थी किस कारण के, किस विरुद्ध आपने छोड़ी थी उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर देखिए जानकारी देनी होगी अपने 11 नंबर ऑप्शन में, यदि आप ECH में कभी कैर कर चुके हो या प्रेजेंट एम्प्लॉई हो तो आपको इसके बारे में जानकारी देनी है, या आप ECS में वहाँ पर कार्य छोड़ चुके हो, टर्मिनेट हुए, या आपने छोड़ दिया, खुद ने छोड़ दिया, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी देनी होगी, रीज़न के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आते हैं आपके नीचे की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर देखिए पहले से आप सभी को गाँव या शहर का अपने का नाम मेंशन करना होगा, आपकी डेट क्या है आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपका थर्ड यहाँ पर आपका पेज रहने वाला है जिसको आपका ये ऑप्शनल रहने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप इसको रखना चाहो तो यहाँ पर रख भी सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। इसमें आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को आप यहाँ पर देख लेंगे इसको, आप देखिए यदि आप फिल करना चाहो तो कर भी सकते हो, वरना आप सभी को यहाँ पर रिक्त भी इसको छोड़ सकते हो, ये आपका कोई कंपलसरी नहीं रहने वाला है। इस प्रकार जो आप यहाँ पर दो पृष्ठ का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको आप सक्सेसफुल यहाँ पर फिल कर चुके होंगे, अब जानेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए फ्रेंड, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप सभी को करवा लेनी है, यानी आप किस क्वालिफिकेशन से आवेदन कर रहे हो, सातवीं पास कैंडिडेट हो, टेंथ पास कैंडिडेट हो, ट्वेल्थ पास कैंडिडेट हो, किस पोस्ट के लिए किस क्वालिफिकेशन से आवेदन कर रहे हो, उस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करवाएंगे। इसके बाद आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट एंड जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो या EWS कैंडिडेट हो तो आप सभी को नहीं करवानी, EWS कैंडिडेट को EWS सर्टिफिकेट की करवानी होगी, जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं करवानी है। साथ ही यहाँ पर SC/ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पर सभी को सेंट्री की जाति की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड जाति यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवा लेनी है। आप सभी को याद रखना है जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप सरपंच यानी अपने गांव के प्रधान, प्रिंसिपल, आप किसी से भी बनवा सकते हो। इसके बाद आप सभी को अपना आधार कार्ड यहाँ पर फोटोकॉपी करवाएंगे। एक्सपीरियंस है तो आप सभी को अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। इसके अलावा आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो मैंने आप सभी को यहाँ पर थर्ड पे वो दिखाया था, ये आपको ऑप्शनल रहने वाला है, यदि आपने फिल कर दिया है तो आपको इस सभी को रख देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को सभी डॉक्यूमेंट को अपने सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सभी पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद जानने वाले कि आपको अपने लिफाफों को कैसे फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक छोटा वाला लिफाफा रखना चाहें तो रख भी सकते हो, वरना ये ऑप्शनल ही रहने वाला है, आपका कोई कंपल्सरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि आपको छोटे वाले लिफाफा यदि आप रखने जा रहे हो तो आपको कैसे रखना होगा। टू लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, अपना नेम, सनोकर के पिताजी का नेम, विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा यदि आप इसको रख रहे हो तो आपको ऊपर 10 रुपये का एक डाक टिकट भी लगा देना होगा। इसके बाद जानेंगे कि आपको ऊपर बड़े वाले लिफाफे को कैसे फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए आवेदन किया, पोस्ट का नाम, कैटेगरी जनरल OBC EWS SC ST, अपनी कैटेगरी के बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर फॉर्म लिखना है, कॉमा लगाना है, अपना नाम, सनोप करके पिताजी का नाम, विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आप टू लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड, टू लिखने के बाद, कॉमा लगाने के बाद आपको वो एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा जहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। इस एड्रेस की जानकारी मैंने आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दी है। अभी आपको क्या करना है, गूगल पर सिंपली जाना है, वो वहाँ पर जाकर आप सभी को सर्च करना होगा फ्रेंड्स, रोजगार, इसके बाद आपको स्पेस देना कि, इसके बाद स्पेस देंगे रोजगार की खोज। फ्रेंड्स, आप सभी को इस प्रकार लिखकर यहाँ पर सर्च करना होगा, उसके बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ जाएगी। वहाँ पर आपको 3 कैटेगरियाँ देखने को मिलेंगी, ऑनलाइन फॉर्म की कैटेगरी, ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी, उसके बाद एडमिट कार्ड की कैटेगरी।
आपकी फ्रेंड जितनी भी ऑफलाइन भर्ती है वो आपको उस कैटेगरी में नीचे की तरफ देखने को मिलेंगी। आपको ECHS वाली भर्ती पर वहाँ पर क्लिक कर देना होगा। दिल्ली कैंट की भर्ती मैंने अपडेट कर दी है। वहाँ से आप इस भर्ती का एड्रेस देखेंगे और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेकआउट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड नहीं किया तो आप वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड करने के बाद आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर बड़े वाले लिफाफे में रखेंगे, जो आपने बड़ा वाले लिफाफा यहाँ पर इसमें रखने होंगे सभी डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आप सभी को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे ना। अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा तो मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।